हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज आपके सामने न्यू रिएक्शन वीडियो के सामने हाजिर है। तो गाइज ये टिकटॉक होने वाली है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। तो गाइज मैंने इसके ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अराउंड मैंने 10-15 आर्मी की टिकटॉक की वीडियो अपलोड की है। तो गाइज आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो जाके, स्वैगेडी बस आपको सर्च करना, स्वैगेडी टिकटॉक पाकिस्तान आर्मी आपके सामने बहुत सारे ऐसे हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हो। तो गाइज जितने भी चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर, तो गाइज आपको पता चलेगा मेरे कैमरे की क्लैरिटी ऐसी नहीं है, बहुत एचडी वीडियो बनाता हूँ, बट अभी फिलहाल मैं जस्ट मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्लैरिटी आपको ऐसी नजर आ रही होगी। वैसे कि मैं अच्छी वीडियो कैमरा अच्छा क्लियरिटी होती है, बाकी नेट तो आप सबको पता चल जाएगा इस वीडियो में भी कैमरे क्लियरिटी का फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। तो गाइस वैसे मैं अपनी बहन से वीडियो बनाता हूँ, पर बहन अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं खुद अकेले रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप यू गाइस लाइक इट, पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स था, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा एक और वीडियो बना देते हैं ऐसी। तो लेट्स सी कि क्या होता है इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, गाइस पक्का चेक करें। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिससे आप बहुत सारी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान या कोई पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, तो लोग कमा नहीं पा रहे, अगर कमा भी पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा काम करना उनको पड़ता है। बट अगर आपको मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा, इसका नाम है आईक्यू ऑप्शन, वहां से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ $10 का आप इन्वेस्ट करने हैं, बट आप उससे $1,000 आप कमा सकते हो। आप ट्रेनिंग लें इस चीज की, वेबसाइट पर पूरी ट्रेनिंग अवेलेबल है, वहां पर जाकर अच्छी ट्रेनिंग लें, फिर आप पैसे इन्वेस्ट करें। $10 इतना होता नहीं अमाउंट, आप कम से कम डॉलर पैसा से स्टार्ट करें। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। अगर आप वैसे सर्च करोगे तो वैसे ही जा सकते हो, पर उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज पाकिस्तान आर्मी टिकटॉक पे रिएक्शन। तो गाइस देखते हैं व्हाट वी गॉट। पाकिस्तानी अपनी आर्मी से इतना प्यार करते हैं, राज क्या है? इस सवाल का जवाब तो एक 5 साल का बच्चा भी दे सकता है। सड़क से जब पाक आर्मी की गाड़ी गुजरती है तो वो सलूट करता है। ओके क्यों? क्योंकि वो बच्चा भी जानता है कि उसकी असली हीरो पाक आर्मी है। ओके गाइस, वो अगर आपको पता है वो कौन सी मूवी का डायलॉग, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सी मूवी का डायलॉग था वो। ओके आई थिंक कमांडो होगा। ओ ये मार्शल आर्ट वाले होंगे पक्का। नाइस मैन, अगर लात से तोड़ा तो ए ए ए कूल। ये सहरीली बग्गा का गाना यार, बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे। ये भी सही लगेगा गाना है गाइस। इंडिया का भी ऐसे ही होता है, बस वो इंडिया की लग रहा है, तो कलर तीनों कलर इंडिया के हैं। वैसे गाइस आप बताएं कि पाकिस्तान में आज ड्रेस ले सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो बैन है ये चीज। मतलब आप आर्मी की ड्रेस मतलब एज अ नो मार्केट से नहीं खरीद सकते पहनने के लिए, या फिर रियल आर्मी वाले होंगे जितने भी होंगे जो वीडियो बना रहे हैं ये। आई थिंक ये वो गाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों से पढ़ाना है गाइस, आई रिमेम्बर। हाँ दुश्मन के बच्चों, कैसे उस पर भी हमने रिएक्शन दिया था। ओ एक्टिंग के लिए इस गॉड लेवल, आंखों में आंसू ना लाल, लेट्स स्टॉप लुकिंग गुड। के बच्चों को पढ़ाना है। आई होप ये पाकिस्तान इन्हें को नाम बोल रहा हूँ। ये मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, पता है ऐसे लाइक अच्छी उनका सेंस, मतलब एनर्जेटिक मूवमेंट होती है वो। एक ट्रक में जा रही तो आर्मी वाले भर के, आई नो दैट स्टफ। रिस्पेक्ट करो उनकी यार, दे डिजर्व इट। ओहो मुझसे वाला पर से आर्मी कमांडर हो, बात की नहीं हो शक्ल तू देख मैं जज करते, अपनी औकात की नहीं हो। ओके एक कमांडो ट्रेनिंग भागी टू का आई गेस ये डायलॉग। हमारे लिए वतन सबसे पहले है शायद। आपने ठीक कहा सर, नहीं नहीं बाकी का नहीं है, वतन पहले होता है। वो देख अपना झंडा लहरा रहा है। वतन वतन बाद रहे तो, ओ दैट्स क्यूट, दैट्स नाइस। दिल आजमाया तो डर ना लगा है, नहीं खो
ओह शिट कमांडो क्या रियली है एसएसजी जो इस चट्टान को तोड़ दे ऐसा कोई पानी नहीं बस मुल्क की बात करो और कोई कहानी नहीं यहाँ की बुनियादें शहीदों के खून से तर हैं okay. फौज तेरा दुनिया में कोई सानी नहीं ओके वाह नाइस ये आई थिंक सारे कमांडो ही होंगे क्योंकि जितनी ट्रेनिंग तो लाइक कमांडो की मिलती है ऐसे मैं पाकिस्तान हूँ गाइस मुझे सब याद है कि गाने इतने पाकिस्तान आर्मी के मैंने सुने बहुत सारे चलो फिर ट्राई करते गिराई दो मतलब ये भागे का डायलॉग है अभी ब्रो आर्मी में हो क्या आप भी ये रियल आर्मी वाले लग रहे हैं मुझे भाई साहब मैं तो कभी ना चढ़ पाऊं इतने पेट के बड़े पेट के साथ तो काज कर ओके लुकिंग नाइस गाना कौन सा है कैसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना बता देना कमेंट सेक्शन में ताकि मेरे डाउट ना हो बाद में यार लाइट मुझे थोड़ा कम लग रही है लगता है कैमरे में तुम्हें हमारा होना ही होगा हम मांगते हैं जुमे की दुआओं में भी तुमको ओके आर्मी सर कौन है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ऑब्वियसली शहीद हुए होंगे 2018 में पाखामी ओ भाई साहब दिस इज अनदर लेवल मैन ब्रो गाइस डोंट ट्राई दिस एट होम भाई साहब बैलेंस कैसे कर रखा है ये चीज ओ भाई साहब इस साइड से और भयंकर लग रहा है नहीं आई थिंक इंडियन सॉन्ग है तो गाइस अगर पाकिस्तान की सॉन्ग होते और अच्छा लगता क्योंकि लाइक आपकी कंट्री की आर्मी तो आपके सॉन्ग होते ना और अच्छा लगता है मुझे चीज देखने में बट कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं समझ जाओ आप बहुत सेंस में बोल रहे थे आपको ओके मार्शल आर्ट एंड ऑल दैट स्टफ हम फौजियों से मोहब्बत सोच समझ के करना ओके हम फौजियों से मोहब्बत सोच समझ के करना है दोस्त क्योंकि हमारे जनाजे अक्सर जवानी में भागे कॉमन ब्रो आप जो लाइन बोली बहुत डीप थी वो ये परचमों में अजीम परचम न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं जहां गिरता है वो इनका ये वीडियो मैंने पहले भी देखी है भाई साहब दिखने में आसान लग रहा बट ये चीज इस नेक्स्ट लेवल पर ओके तो गाइस वीडियो सारी अच्छी थी इनमें लाइक कुछ तो ज़्यादा खतरनाक थी एक तो जो जो दीवार पे खड़े थे उल्टा चढ़ करके वो बाकी ऑलमोस्ट सारी वीडियो अच्छी थी बट मुझे डाउट यही होता है कि रियल आर्मी वाली होंगी ऑब्वियसली क्योंकि इतनी ट्रेनिंग तो उनको ही मिलती है पहली बात तो और दूसरी आर्मी ड्रेस जो पहनते वो ऐसे हमारे इंडिया तो मिलती नहीं है पाकिस्तान में आई थिंक शायद ना मिले क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है इस ड्रेस की तो हर किसी को नहीं पहननी चाहिए वो चीज़ जो डिज़र्व करता ओनली वो सब पहनने उनको ही मिलनी चाहिए चीज़ ठीक है तो गाइस आप बताएं कि जितने लाइक मेरे
अराउंड 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो इसमें से आप बताएं कि आप में से कौन कौन के फैमिली मेंबर हैं जो आर्मी में है, वो कमेंट सेक्शन में पक्का लिखें कि मेरा फैमिली मेंबर है, कोई भी ब्रदर सिस्टर या कोई रिलेटिव में से कोई आर्मी मेंबर है तो पक्का कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। और आप बताएं कि आप कभी मैसेज में मिलने गया था एक बार बाघा बॉर्डर, आप सब मैंने वीडियो डाली भी थी बाघा बॉर्डर पे, तो उस टाइम भी लाइक मैं कोशिश करता था कि मिल पाऊँ अपने दोस्त रहते हैं मेरे पाकिस्तान, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आप बताएं कि पाकिस्तान जो बाघा बॉर्डर है वहाँ उसके पास आसपास कौन रहता है, क्योंकि मैं जल्दी वहाँ पर फिर जाने वाला हूँ बाघा बॉर्डर, मोस्ट प्रोबेबली मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो अगर मतलब पॉसिबल तो हो नहीं पाता वहाँ मिलना कभी यार, तो आप ट्राई करना अगर वहाँ पर कोई रहता आसपास बाघा बॉर्डर के तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, बाकी करतारपुर आएंगे तो आपको पक्का बताएंगे जब, तो आई थिंक ऑब्वियसली मिल ही पाएंगे, ठीक है। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताना जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो गाइस इसके लिए वीडियो खत्म करना, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बोले अभी गाइस, पीस आउट।